हाँ जी अच्छा है। चलो पूजा सेवा भी अच्छे से हुई, व्याख्यान भी अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी, दक्षा का तो मौन था परीक्षण, 9 दिन 8 दिन का मौन रखा था उसने तो। अच्छा, बात ही 9 दिन के बाद हुई उससे। हाँ तारो बंच है, वॉइस बंच है दक्षा। एक बार अच्छे से नहीं हुआ मेरा। क्यों मौन नहीं हो पाया? हो गया ना। अच्छा अच्छा, इसके लिए मौन शायद नहीं हो पाया। मौन अभी मेरे को 8 दिन वापस रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जरा उधर जाने आने में थोड़ा बोलना पड़ता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। મને મોડું એટલે નહીં, આજે ખબર નહીં ચાલુ જ ન થાય, હું આઈડી નાખતી હતી, પેલું પાસવર્ડ બહુ દિવસ થી ખોલ્યો ને આજે ખુલ્યો જ નહીં, પછી કોપી પેસ્ટ કર્યું ત્યારે ખુલ્યો, ક્યારની 10 મિનિટ થી 6:50 થી ટ્રાય કરું છું, હા હું 6:50 થી હું ટ્રાય કરું છું, પણ પેલો પાસવર્ડ કોપી પેસ્ટ કર્યો ત્યારે ખુલ્યું, નાખવાથી ઓપન થતું જ નતું। अच्छा, ओके। कदाच पेलो महीनाओ थी गया है, एक पासवर्ड चाले ने कदाच एट हो सके, हम अपने पेलो यूज भी कर हम पासवर्ड यूज भी थो नहीं, एट्ले खाती तो आ गई। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमें कर देसु, अपने तो कोई नी राह जोता नहीं, હવે મને આ જરા પેલું બધું સેટ કરવું પડશે, બાકી શું હા, બાકી તો શું ખબર, બાકી સરસ પજુસણ ને તો બધાને સરસ ગયા ને, એટલે બહુ સારું। બસ બસ ખુબ સરસ આનંદ આવે, એટલે બસ સરસ। મેં એટલે પછી બીજા ત્રીજા લેક્ચર એટલે લીધા જ નહીં, કે પછી બધા ન આવે તો કઈ મતલબ જ નહીં ને, પછી વસ્તુ બ્રેકઅપ થઈ જાય, બધાના નોલેજમાં બ્રેકઅપ થઈ જાય। હા તપસ્યા કી સબકો સાતા મેરે મેરે ઘર મેં, મેરા તો એકાશ ના જનતા નહીં, મેરી સિસ્ટર આપ મૌન તો 28 સેકન્ડ ઉપર હો ગયા થી, નહીં નહીં એસા કુછ નહીં હૈ, મેને છઠ ઠમ કિયા થા। અચ્છા આપ સાતા મેં હો, અચ્છા કર લેતે હો, હાં જી ઓફિસ નહીં જાતે હો પર્યુષણ મેં, ક્યા જી ઓફિસ ઓફિસ નહીં, ઓફિસ નહીં હૈ મેરા જી, આજકલ ઘર પે હી હૈ કામ। ઓકે ઓકે, અચ્છા ભાભી જી ને આપકે મિસિસ ને ક્યાં કિયા, મેરે કો કરવાયા બસ, બસ વો સબસે અચ્છા હૈ, ભયા મત કરના સબસે અચ્છા હૈ, લાસ્ટ ડે ઉસને આસના કિયા થા। ઓકે ઓકે, મેરે ભી ઘર મેં બેટી દામાદ ઓર બેટા તીન અઠાઈ હુઈ, અરે વાહ, અમેરિકા મેં, અમેરિકા મેં હુઈ, તીનો અમેરિકા મેં હુઈ, પાણા કરાને કોઈ નહીં ગયા। યસ, બડી બેટી બડા દામાદ ઓર ઉસકા બેટા 11 સાલ કા, તીનો ને અઠાઈ કે, કહાં પે રહેતે હો, ન્યૂયોર્ક મેં, ન્યૂયોર્ક, યસ, મેરા બેટા ન્યૂજર્સી મેં, અરે હા, અભી યે ભી ન્યૂયોર્ક સે ન્યૂજર્સી આ ગઈ, અભી 1 સાલ પહેલે 2 સાલ પહેલે। मेरा बड़ा बेटा न्यू जर्सी में होता है। अच्छा, छोटा
छोटा बेटा प्रसन्न था, वो भी आ गया इधर वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारी ये तपस्या हुई घर में, सबने बेटी ने एक छठ किया, दो अलग अलग उपवास किए, बेटे ने भी किए, अच्छे से गया पर्यूषण, बहुत अच्छा। हाँ, आंगी भी करने को मिली, बहुत अच्छा हुआ इस बार। यस यस, चलो अभी शुरू करते हैं, सबको जय जिनेन्द्र। और अभी ये शुरू करती हूँ मैं। हाँ, जो भी अब जो लास्ट चला था वो सारा हम थोड़ा सा रिविजन में ले लेंगे। आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? ठीक है, देखो अभी यहाँ जो आपके सामने पिक्चर है उसकी चर्चा करूंगी। टाइम देख रहे थे? हाँ, बस बस, पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो ये जो है ना, ये पद्मद्रह है जो हम स्नात्र में रोज बोलते हैं, वो मेरा कर्सर घूम रहा है, वो ये पद्मद्रह है, ये लघु हिमवान पर्वत है। और ये जो नीचे ग्रीन, ये पद्मद्रह के इस तरफ दक्षिण में ये जो ग्रीन में है वो है भरत क्षेत्र, हमारे छेखंड। और बराबर बीच में ये आपको दिख रहा है वो है वैताढ़ पर्वत। क्लियर हुआ? फिर ये पद्मद्रह से दो नदी निकलती है, पद्मद्रह से दो नदी निकलती है, एक है गंगा एक है सिंधु, और एक तीसरी नदी निकलेगी यहां से। देखो यहां से गिर के यहां नीचे गिर रही है, कर्सर दिख रहा है बराबर इस तरफ जा रही। देखा? हाँ, बस। तो पद्मद्रह से तीन नदी निकलती है, दो जाएगी भरत में गंगा सिंधु, और तीसरी नदी बिल्कुल इसके उत्तर की तरफ जाएगी, नीचे गिरेगी और ये बहेगी उत्तर में ही लघु, हमारा जो लघु हिमवान पर्वत है उसके बाद का जो हेमवत क्षेत्र है, ये पूरा हेमवत क्षेत्र है, बीच में है ये वैताढ़ पर्वत, और उसके बाद में जो महाहिमवान पर्वत है उसका भी यहाँ पे ध्रह है। देखो ये बीच में ध्रह है, आपको ये व्हाइट कर्सर घूम रहा है वहां पे, इसको महापद्मद्रह बोला है। उसमें से दो नदी निकलती है, एक नदी यहां उत्तर में गिरेगी यहां से, और देखो यहां से देखो ये नदी जा रही है, देखो ये वैताढ़ पर्वत तक आई, और यहां से फिर यहां बहेगी। देखो ये दिख रहा है आपको बड़ा सफेद पट्टा, तो ये आपका हेमवत क्षेत्र है। यहाँ एक नदी पद्मद्रह से आएगी, गिरेगी यहाँ आएगी, और यहां से यहां बहेगी, दूसरी नदी महाहिमवान पर्वत से आएगी, गिरेगी यहां आएगी, और यहां से यहां बहेगी। क्लियर हुआ कुछ या कोई क्वेश्चन है? अब दोनों के नाम बताए। देखो ये है रोहिताशा नदी, यहाँ पे जो पद्मद्रह से जो गिर के वहां से वैताढ़ से यहाँ आती है ना, ये वाली रोहिताशा नदी। ये जो वैताढ़ पर्वत है वो 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ है, और ऊपर 1000 योजन ऊंचा है, 1000 योजन, 1000 योजन ऊंचा। ये इससे पहले हमारा जो ये पर्वत है ये भी आपने देख लिया, 100 योजन पहले पर्वत था बराबर, उसके ऊपर 400 योजन के शिखर थे, और उसके ऊपर और उसके और ऊपर छोटे 30 और शिखर, टोटल मिला के 700 से 750 योजन का ये पर्वत हुआ था। ये 700 से 750 योजन का पर्वत, उसके बाद ये जो पर्वत आया वो 1000 योजन पूरा था। आपको ये धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? यह वैताढ़ पर्वत था वो सिर्फ 25 योजन ऊंचा है, उसके बाद ये वाला पर्वत था वो कुल मिला के 700 से ज्यादा योजन ऊंचा हो गया, उसके बाद ये पर्वत 1000 योजन ऊंचा हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही है? पहले ये बताओ,
हो रही है। आगर जता जता मेरू पर्वत तक तो वो 10,000 की ऊंचाई आ जाएगी, 1,00,000 की ऊंचाई आ जाएगी, और आगे जाते जाते 1,00,000 की ऊंचाई। अब जमीन के उद्वेद की भी मैं बात करूंगी साथ में। ये जो वैताड़े पर्वत है वो कितना ऊंडा है, 6 योजन ऊंडा है, 6 या 6.5 योजन जितना आएगा, वो नाप लिखा हुआ है, 6.25 से 6.5 योजन जितना ऊंडा है जमीन के अंदर। उसके बाद ये जो पर्वत आया ये सीधा वैताड़े के बाद ये जो पर्वत आया ना, ये पर्वत वो जो पर्वत की ऊंचाई है उससे 25% मतलब 100 योजन पर्वत है तो वो 25 योजन ऊंडा है। वैताड़ है आया 6.25 योजन ऊंडा, उसके बाद का लघु हिमवान पर्वत आया 25 योजन ऊंडा, उसके बाद कितने 1,000 योजन आगे जाने के बाद ये जो क्षेत्र आया है हेमवत क्षेत्र में, ये जो ये देखो यहाँ पे शब्दापाती वृत्त वैताड़ है पर्वत, शब्दापाती वृत्त वैताड़ है पर्वत, वो 250 योजन ऊंडा हो गया। ऊंडाई क्लियर में आ रही है मेरे? जितना पर्वत ऊपर ऊंचा जाएगा उतना जमीन में भी ऊंडाई बढ़ती जाएगी, जैसा हमारे बिल्डिंग में होता है वैसे ही। उसके बगैर ये पर्वत या बिल्डिंग कोई टिकने वाले नहीं है, जितने ऊपर होंगे उससे तो कुछ डेप्थ में भी बढ़ता ही जाएगा ना। ये पूरा बिल्कुल ऐसे द्वीप की तरह जा रहा है, जमीन के नीचे भी डेप्थनेस बढ़ रही है और ऊपर भी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये महाहिमवान पर्वत के बारे में देखेंगे क्योंकि उसकी नदी और ये सब कहां जा रहा है। पर्वत पे पद्मध्र सरोवर था, महाहिमवान पर्वत पे महापद्मध्र सरोवर, ठीक है। लघु हिमवान पर्वत पे पद्मध्र सरोवर था, महाहिमवान पर्वत पे महाहिमवंत सरोवर। अब ये महाहिमवान पर्वत की बात आई, देख लीजिए इसको भी मैं आपको समझा रही हूँ। बराबर मध्य में महाहिमवान पर्वत पे महापद्मध्र है, मेरा कर्सर घूम रहा है देखिए आप, ये महापद्मध्र है। अब पद्मध्र से महापद्मध्र की लंबाई चौड़ाई सब ज्यादा बढ़ जाएगी, बाकी के ये 4 कूट रीमकूट, हरिकांता कूट, हरिवर्ष कूट और वैडूर्य कूट, इसी तरफ भी और 4 कूट, ऐसे ये पूरा आपका ये जो पर्वत है वो खत्म हुआ। पर्वत ज्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन उसके ऊपर के शिखर 500-500 योजन और ऊपर चढ़ के उसकी हाइट बढ़ा देते। पर्वत वो मुश्किल से होगा कुछ 200, आप पढ़ लेते हम क्या लिखा है, वो 100 योजन का था, ये उससे ज्यादा बढ़ के 200 योजन का, लेकिन ये जो शिखर है ना उसके ऊपर वो 500-500 योजन और उसके शिखर के ऊपर के भी और एक जो छोटा शिखर होता है वो और 100 योजन ऊंचा हो जाता है। तो कुल मिला के इसके आगे वाला जो आपको शब्दापाती वृत्त वैताड़ पर्वत जो 1,000 योजन ऊंचा मिला था, इससे इसकी ऊंचाई आगे ही बढ़ेगी। महाहिमवान पर्वत है उसके ऊपर महापद्मध्र, उसमें से 2 नदी निकलती है, एक नदी पर्वत से उत्तर में गिरेगी, एक नदी पर्वत से दक्षिण में गिरेगी। जो लघु हिमवान पर्वत से 3 नदी निकली थी क्योंकि भरत क्षेत्र में 2 नदी को गिरना था, गंगा सिंधु दोनों को, इसलिए उसके दक्षिण में 2 निकली थी, यहां से दक्षिण में सिर्फ 1 ही नदी निकली और उत्तर में 1 नदी निकलेगी। ओके, अब ये पर्वत की बात करेंगे जो 200 योजन ऊंचा है, सर्वात्म के सर्व रत्न में से ये बना हुआ पर्वत 200 योजन ऊंचाई में, और 200 योजन ऊंचाई के ऊपर शिखर आएंगे वो अलग से, लेकिन ये पर्वत 200 योजन ऊंचा उसके और 50 योजन जमीन के अंदर, इसकी चौड़ाई 4,210 योजन और 10 कला इसकी चौड़ाई, ये पर्वत की चौड़ाई, ठीक है। ये पर्वत इतना चौड़ा है, लंबा तो पूरा आ जाएगा, पूरा ये कोने से ये कोने तक चौड़ाई उत्तर दक्षिण आएगी, बराबर। इस पर्वत पे 8 कूट है,
सिद्धार्थन, माँ हिमवंत, हेमवत, रोहित, रीमकूट, हरिकांत कूट, हरिवर्ष कूट और वैडूर्य कूट, ऐसे 8 कूट है। ये सबका आपको आगे आएगा लिखा हुआ। हम आगे जो हमने सब देख लिया, देखो मैं एक बार मैं आगे आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि बुक में कहाँ पे जो हमने सभी पर्वत और सभी कूट का डिस्क्रिप्शन देखा था ना, कौन से पेज पे था, एक मिनट आपको आपके बुक के ही पेज में मिल जाएगा, एक मिनट देखो ये पेज पे देखो आपको यहां मिलेगा, चौड़ाई मिलेगी 526 योजन, 526 दो 2105, 2105, 8421, 8421 ये सारे क्षेत्र की चौड़ाई है, भरत क्षेत्र की, ये क्षेत्र की ये सारी आपको क्षेत्र की चौड़ाई मिली और कहाँ कहाँ कौन सी नदी है वो मिलेगी, लंबाई भी लिखी हुई है पूरी पर्वत की। बिल्कुल हम जो ये पर्वत की बात कर रहे हैं आपको यहाँ पर्वत भी मिलेगा, देख लीजिए ये रहा 6 वर्षधर पर्वत। अब हरेक में से हम अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे, अभी हम ये बात कर रहे हैं माँ हिमवंत पर्वत की। मिला आपको मेरा कर्सर है, मिला? हाँ जी हाँ जी, अभी मैं बोल रही हूँ माँ हिमवंत पर्वत पे 8 कितने खंड प्रमाण है, ये 8 खंड प्रमाण है, ये सर्व रत्नमय से बना हुआ है। इसकी लंबाई 53,931 योजन और चौड़ाई 4,210 योजन। ये पर्वत की ऊंचाई 200 योजन और उसपे 8 कूट है, कितने कूट है तो 8 कूट है। और ये जो पद्म द्रह, यहाँ से जो द्रह है उसका नाम है सरोवर, द्रह मतलब सरोवर, इसका नाम है महापद्म द्रह। बराबर उससे दक्षिण में रोहिताशा नदी गिरेगी, उत्तर में हरिकांता नदी गिरेगी और इसकी गहराई 50 योजन है। बराबर इसकी गहराई 50 योजन है, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र है ना उसमें जो वैताड़ पर्वत है ना उसकी गहराई आपको 250-250 योजन ऑलरेडी मिलेगी। अब जो द्रह की बात है वो द्रह भी देख लीजिए, यहाँ महापद्म द्रह देखो, ये 2 नंबर में महापद्म द्रह मिलेगा आपको, 2 नंबर महापद्म द्रह कहाँ पे है, ये महा हिमवान पर्वत पे, महापद्म द्रह महा हिमवान पर्वत के ऊपर है, जो 2000 योजन लंबा है। ये द्रह की बात है अभी, हाँ पर्वत तो आपने आगे देख लिया 4000 और कुछ उतना चौड़ा है, चौड़ा है, लेकिन यहाँ ये द्रह कितना है तो 2000 योजन, उसकी चौड़ाई 1000 योजन, लंबा द्रह 2000 और चौड़ाई 1000, तो ये 1000 वो 4000 में 1000 चौड़ा गिनना है, पर्वत 4000 चौड़ा है, द्रह 1000 चौड़ा, गहरा है ये द्रह की बात है, उसकी गहराई सिर्फ 10 योजन ही है, हरेक ग्रह की हरेक द्रह की गहराई एक जितनी है, सिर्फ 10 योजन, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ देवी का जो वास है वो रीम देवी का है और ये आगे कितने द्वार है, उसके 2 द्वार उत्तर और दक्षिण, और नदी कितनी निकलेगी तो रोहिता, दक्षिण से रोहिता नदी और उत्तर से हरिकांता नदी, देखो आपको यहाँ सब लिखा हुआ है, अलग ढंग से समझेंगे। ये जो सारे जो द्रह बताए ना सिर्फ 10 योजन चौड़े सिर्फ और गहरे सिर्फ 10 योजन। अब 10 योजन कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ये मैं आपके आपके सामने ये द्रह का पिक्चर है, ये जो हम द्रह की बात करें ना बिल्कुल ऐसा ही है, सारे द्रह गहराई में बराबर एक जैसे, द्रह में भी आपको ऐसी ही व्यवस्था मिलेगी। ये है पद्म द्रह, पद्म द्रह में जो पद्म कमल है बिल्कुल इस तरह से, देखो यहाँ देवी का भवन है, देखो पिक्चर बताया, ये पद्म द्रह है उसमें ऐसे देवी का भवन है। महापद्म द्रह में भी पद्म नाम से कमल ही मिलेंगे और उसमें भी बराबर मध्य में देवी का भवन मिलेगा, ऐसे ही ये 10 योजन गहरा है और ये सिर्फ 10 योजन गहराई से ही सारे अपकाय के जीव यहाँ से, ये योनि कही जाएगी, क्या कहोगे, यहाँ अपकाय की योनि, हम बोलते हैं ना अपकाय की योनि,
7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका है। तो ये अपने आप यहाँ से पानी उत्पन्न होता ही रहता है, यहाँ आपका है कि जीव उत्पन्न होते ही रहे। और कितना पानी निकलेगा पता है? अभी मैं एक नदी की बात करूंगी, सिर्फ गंगा नदी की। ऐसे पद्म दृश्य जो आपके सामने ये पिक्चर है, वो दृश्य उसके पूर्व द्वार से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी के शुरू में सिर्फ 6 योजन, 6 या 6.25 योजन गहरा है, 6 से 6.25 योजन गहराई। और जब वो पर्वत से लेके नीचे गिरेगी ना, और लवण में मिलेगी तब तक, वहां से गिर के नीचे गंगा कुंड में गिरेगी, और वहां से लेके पूरी भरत क्षेत्र में बहती हुई बहती लवण में, जब वो लवण की दीवार तोड़ के अंदर नीचे से जगती 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 की दीवार तोड़ के वो लवण में समुद्र में मिश्रित हो जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी, तब तक उसका प्रवाह, उसका वेग 62 योजन हो जाता है। आपको इस मुद्दे को पहले समझना है। जो जगह है सिर्फ 10 योजन ऊंचा, ज्यादा नहीं है। आपको ये कमल है ना, सिर्फ 10 योजन गहरा है पानी में, मतलब एक ये जो सरोवर है जहां से पानी निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, ये सिर्फ 10 योजन। हाँ, चौड़ाई में बहुत है, चौड़ाई में वो 1000 योजन, चौड़ाई में 1000, ऐसे लंबाई में 1000, चौड़ाई में 500, इतना वो 1500, इस तरफ 1000, इस तरफ 500, इतना चौड़ा होगा, लेकिन 10 योजन ही डेप्थ में है। इस द्रव में से जब भी पानी का, गंगा का प्रवाह निकलता है, और सिंधु का, इस पूर्व से गंगा का, पश्चिम से सिंधु का, और पीछे रोहिता नदी का, जब तीनों का प्रवाह निकलता है ना, शुरू से 6 योजन गंगा और सिंधु, और अंतिम जब वो लवण में मिलेंगे तब तक 62 योजन, 10 गुना उसका प्रवाह दोध की तरफ बह जाएगा। आप सिर्फ ये समझो कि ये यहां कोई बादल नहीं है, जो बारिश होगी तो पानी आएगा। आपको ये व्यवस्था को समझना है, ये अपकाय की व्यवस्था है। हर हर एक द्रव, ये एक नहीं है, सबके सब द्रव, जो जम्बू द्वीप के सारे द्रव, आगे 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 आपको तिगिंचिद्र, सीतोदा नदी जो 5 लाख नदी बनाएगी, गंगा नदी सिर्फ 14000 नदी बनाती, इतना ही पानी ये द्रव से निकलता है। लेकिन जो सीतोदा नदी जो द्रव से निकलती है ना, वो नदी 5 लाख नदी बनाती, तो वहां से कितनी मात्रा, क्योंकि द्रव भी बड़ा है। अगर द्रव भी बड़ा है तो आपका एक योनि, वहां पे योनि ज्यादा मात्रा में ही जन्म लेगी। यहां आपको ये समझना है कि भगवान ने जो हमको बताया है, जीव कहां से अपने आप कैसे उत्पन्न होंगे, अपने आप हो जाएंगे। वहां पे ऐसा वातावरण ही है कि वहां सीधे पानी के बूंद में जीव पानी की तरह टपोटप जीव उत्पन्न हो ही जाता, हर एक द्रव में। जिनको जहां जन्म लेना है वो वहां पहुंच ही जाएंगे। अगर कुछ बात है तो, क्वेश्चन है तो कर लो कुछ, मतलब ये अपने आप हो रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था और नहीं, यहाँ बारिश आती है तभी होता है, यहाँ कोई, अब हमारा साइंस काम नहीं करेगा। और यही बात है जो मैंने पहले भी बोला है, शायद फिर से आज कह रही हूं, कि हम जो ये समझ रहे हैं कि बारिश, समुद्र का पानी गर्म होता है, हम जो पढ़े हैं पहले, हमने यही पढ़ा है, समुद्र का पानी धूप से गर्म होगा, उसके भाप निकलेगी, वो भाप बादल बनेंगे, बादल बनके जब भी आकाश में 2 बादल टकराएंगे तब बारिश होगी, ये साइंस ने बताई हुई बात है। पानी के जीव को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सिस्टम से ही बारिश होती ना, इसी सिस्टम से अगर बारिश होती ना, तो दुकाल इतने सालों तक जब भी आया, 12-12 साल तक दुकाल आता ही नहीं, क्योंकि दुकाल में तो सबसे ज्यादा तेज धूप गिरती, तो क्या वो धूप गिरने से समंदर का तो तब भी था, समंदर तो तब भी था, तो क्या बादल बने ही नहीं? हाँ,
छावी टुकड़ा। हाँ फिर यहाँ पे बारिश होने का क्या, यहाँ पे बारिश के बाद कैसे रीजन एक्सप्लेनेशन? बारिश देखिए, जैसे आपको पता है ना कि कहीं भी भेज कैसे आ जाता है, आपको एक बात मैं बताऊँ, एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, जब रात को एसी चालू हो, आप एसी चालू रखो, थोड़ा सा भी ज्यादा ठंडा होगा तो आपका नीचे का आरा सपने आप भीना हो जाएगा, होता है ना, आपकी कांच की विंडो के ऊपर पानी पानी जैसे बाजा हुआ पानी का जो है जाला वाला अपने आप पानी दिखता है। हाँ तो ये क्या हुआ, वातावरण हुआ, ऐसे वातावरण में आपका है कि जीव योनि अपने आप उत्पन्न हो जाती, वहां भी ऐसे वातावरण उत्पन्न होता है, अपने आप आपका है कि योनि उत्पन्न हो जाती। अपने साइंस में बोला जाता है वाटर वेपर जाके क्लाउड में कन्वर्ट होता है, फिर वही क्लाउड से रेन होता है, वो जो रेन साइकिल एक्सप्लेन की हुई है वो यहाँ पे लागू नहीं पड़ती। अरे वो रेन साइकिल कल साइंस ने एक्सप्लेन की है, ऐसे बारिश होती ही तो कभी दुकाल आता ही नहीं, आप ये सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पर कैसे होता है? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, वैसे होता ही नहीं है, यहाँ जो होता है वो ही हमारे यहाँ होता है। अरे तो आवी रीते पानी पण ऑटोमेटिक आवे। बाय नेचर ओनली। H2O में वायु का दबाव और पानी के जीवों की उत्पत्ति, मतलब जो सिस्टम है वो बिल्कुल उस प्रकार से होगी। इतनी ऊंचाई है ना, कितनी ऊंचाई है हमारे यहाँ हिमालय में, थोड़े थोड़े ऊपर जाते हो बर्फ हो जाती है, ये नाम भी तो हिमवान है, ऊपर तो बर्फ और पानी का, और ऊपर जितने जितने ऊपर जाओगे, ये तो छोड़ो इससे तो ज्यादा निषद तो इससे भी ऊपर है, निषद तो इसे भी ऊंचे जाएगा। हर एक कूट के ऊपर 500 योजन के अलग से कूट, हर एक के ऊपर के कूट 500 योजन के बताए, जैसे ग्रह सबकी ऊंडाई बराबर बता दी ना, सब ग्रह 10 योजन ऊंडा, ऐसे ही हर एक पर्वत के ऊपर के जो कूट है ना वो 500 योजन ऊंचा, तो निषद 400 योजन ऊंचा, ऊपर का कूट 500 योजन 900 योजन वो हो गया, उसके ऊपर और 100 योजन शिखर तक और 100-150 योजन जाएगा, 1000-1200 योजन, और ऊपर के ऊपर जो शिखर के ऊपर जो सिद्धायतन होंगे उनका महल होगा वो अलग से, हर एक देव का परिवार तो उसके ऊपर ही रहेगा, कूट के ऊपर ही। तो आज 1500 से 2000 योजन की ऊंचाई पे अगर जाओगे तो पानी तो अपने आप ही उत्पन्न होना है, सूर्य की धूप तो वहां जाएगी भी नहीं ना, जाएगी क्या? यहां समझना है बहुत अच्छे से, सूर्य जमीन से 700-900 योजन ऊपर, और ये सारे कूट है ना उसकी ऊंचाई ऊपर जा रही। तो सबसे पहला जो कूट मिला हमें, सबसे पहला लघु हिमवान पर्वत, वो 700-750 योजन ऊंचा है, उसके बाद आपको जो सदाकाल प्रथम आ रहा, ऐसा हेमवत क्षेत्र मिल रहा है जहां सदाकाल हमेशा पहला आ रहा है, तो आप ये सोच लो कि 790-900 योजन पे आपका ज्योतिष चक्र है, और ये ऑलरेडी 800 योजन की ऊंचाई पे कूट आ गया, तो अब उसके बाद के क्षेत्र में जो 2000 योजन दूर है और बिल्कुल जमीन में नीचे की तरफ 1000 योजन नीचे है, सारे के सारे कल्पवृक्ष और सारे के सारे वहां तीसरे आरे के लोग जो युगलिक है वो बिल्कुल 1000 योजन नीचे, और उससे पहले 1000 योजन का पर्वत है, तो आप समझ सकते हो उनको सूर्य की धूप पहुंचेगी। बोलो, फिर हमारे जैसा शरीर तो उनको होगा ही नहीं ना, उनका शरीर कितना होगा, तो वो बोल रहे हैं कितने पसली, 150 से ज्यादा पसली वाला,
तारा काम नहीं थी तो जो 600 की कितनी काओ 500 से हजार धनुष की काया, हजार धनुष की काया ऐसे युगलिक मिलेंगे वहां पे। अपने यहाँ पे तो 500 धनुष है भरत क्षेत्र में, वहां पर हजार उसके बाद आएगा 1500, उसके बाद आएगा तीन गांव नहीं, मैं बोल रही हूँ, एक मिनट आप। हाँ जी, यही तो बात है, 500 धनुष तक तो मोक्ष में जा सकते हैं युगलिक, 500 धनुष तक तो मोक्ष में जा सकते हैं, फिर 500 धनुष आ जाने पे युगलिक नहीं कहे जाते वो। लेकिन हजार धनुष वाले जो है सबके अलग अलग नाप वो आ गए, अभी मुझे देखना पड़ेगा वो पेज में आपको। यहाँ तीन, पहले सबसे पहले तीन पल्लवों की आयु और 1500 धनुष की काया मिलेगी पहले आर्य में, दूसरे आर्य में 1500 नहीं कुछ ज्यादा ही है, अभी मुझे वो नहीं याद आ रहा है। धनुष आप देखेंगे तीन पल्लवों की उनकी आयु है, फिर दूसरे की आयु उससे कम। वापस वो पेज पे हम जाएंगे तब आपको वो जो काल का किया ना, मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगी, रिकॉर्डिंग में गलत आ जाएगा। 500 धनुष से मनुष्य माने गए हैं, उससे ऊपर के जो थे वो सारे युगलिक। हाँ बस, तो 500 धनुष से हम मनुष्य नॉर्मल मनुष्य जो मोक्ष जा सकते, बाकी युगलिक भी मनुष्य ही है लेकिन वो मोक्ष नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके ऊपर वाले सारे युगलिक है, तो आप सिर्फ इतना सोचो टॉपिक कहीं और चल रहा है कि क्या ये सूर्य की धूप ये युगलिक के क्षेत्रों में हमारी तरह जाएगी, नहीं जाएगी। तो हमारे तरह जो ग्रहों की असर से ग्रहों के चराचर ही मनुष्य के सुख दुख का कारण बनते हैं, ऐसे परमात्मा का वचन है कि ग्रहों के चराचर से उसके चरने और स्थिर रहने, या चराचर मतलब आने जाने से, उसके आवन जावन से ही ग्रहों के कारण ही मनुष्य के सुख दुख बनते हैं। तो ये ग्रह हमारे ऊपर जा रहे हैं, उनके ऊपर से नहीं जा रहे, तो वहां तो सुखी सुख है, वो तो वहां से मरने के बाद सीधे देवलोक में जाएंगे, बस उनको वहां पे अकर्म भूमि कही, कोई काम नहीं करना है, कोई खेती नहीं करना है, कोई धंधा नहीं करना है, कोई वहां सर्प किसी को मार के खाएगा नहीं, वो भी कल्प वृक्ष ही थोड़ा सा, इतना बोर का जितना खान लिया उसका फल खा लिया, उसका पेट भर गया, वहां जानवर भी है लेकिन ऐसे। अब आपको धीरे धीरे व्यवस्था समझ में आ रही है ना, मैं बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रहों की चराचर सिर्फ हमारे तक है, वहां तक नहीं है। अब आप है ना दूसरे नाप पे भी जाओ, जैसे भरत क्षेत्र 500 योजन ही आया, एंडिंग में 500 योजन आया, और आपको ये मालूम है कि 180 योजन तक तो ग्रह के मांडले है, जम्बू द्वीप के बाहर के 180 योजन तक ही ग्रह के मांडले घूमते हैं, ज्योतिष चक्र बाहर के 180 योजन में ही घूमेगा, तो जो वैताड़े पर्वत के इस तरफ का जो एरिया है ना 180 योजन, वहीं पे ही ग्रह घूमेंगे। वैताड़े से उस तरफ भी ग्रह नहीं जाते, इसी कारण से आपको मैंने फिर से पहले बोला था, मैं फिर से अभी याद दिलाती हूँ, जैसे जैसे नीचे उतरोगे ना आपको लोग काले मिलेंगे, और जैसे वैताड़े मतलब जो आज का जो हिमालयन रेंज है ना उस तरफ जाओगे ना लोग गोरे मिलेंगे आपको, जैसे जैसे नीचे का एरिया आएगा ना, नीचे का एरिया आएगा ना, कभी भी बर्फ नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे ना, जैसे कि कश्मीर में 6 महीना बर्फ, उसके ऊपर चाइना में 10 महीना बर्फ, उसके ऊपर रशिया में 11 महीना बर्फ, उसके ऊपर उत्तर ध्रुव में 12 महीना बर्फ, लोग भी गोरे चिट्टे, क्यों? क्योंकि उनको उतनी धूप उनकी तकलीफ उसको मिलती नहीं। और आप ये भी देखोगे कि पुण्य चाहे हम लोग करें लेकिन सुखी वो लोग है, क्योंकि सारी अनार्य भूमि है। हाँ नहीं भूमि भी तो अनार्य है, ग्रह का चराचर नहीं है, वहां से आपको दुख नहीं मिलेगा, आप पाप भोग नहीं सकते, मोक्ष कैसे जाओगे?
मोक्ष जाने के लिए कर्म भोगना भी है ना, अशुभ कर्म भोगना है, पाप कर्म खत्म करना है, वो तो होना ही नहीं है। ये सारी सिस्टम है ना, हमको समझनी पड़ेगी। उत्सर्ग पीणी का कारण, अवसर पीणी का यही कारण। तो आपको ये क्षेत्र में हमेशा तीसरा आरा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे से थोड़ा ज्यादा नजदीक। सबसे पहला क्षेत्र आया ये हेमवत क्षेत्र, यहां आपको हमेशा तीसरा आरा मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से उस तरफ उल्टा भी देखना है, ऐरावत से भी जो सबसे पहला क्षेत्र आएगा ना, वहां भी ऐसा ही मिलेगा। हमारे जैसा भरत जैसा ऐरावत में मिलेगा, हमारे हेमवत क्षेत्र जैसा वहां पे जो हिरण्यवत क्षेत्र है बिल्कुल वैसा मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी मैं आगे जा रही, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बहुत बढ़िया, देखो कितना सुंदर दिख रहा है वो तो देखो। अभी यही पिक्चर में मैं एक बात और आपको समझा रही हूँ। देखिए पिक्चर दिख रहा है ना, ये एक क्षेत्र है ना, ये सारे काले हैं ना, वो कल्पवृक्ष है, ये हमेशा तीसरा आ रहा, उसके बाद ये पर्वत, और ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ हमेशा दूसरा आ रहा। ये भरत से कितना दूर हुआ, योजन गिनोगे तो भरत है 500 योजन, उसके बाद ये पर्वत है 1000, मतलब 1500 योजन यहां तक हुए, उसके बाद 2000 का क्षेत्र, तो 1500 और 2 3500 हुआ ना, तो ये क्षेत्र 3500 योजन जितना दूर हुआ सूर्य से, उसके बाद 4000 का पर्वत 7500 हुआ, और उसके बाद 8000 का ये क्षेत्र, तो कम से कम 15000 दूर हुआ सूर्य के मांडले से। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। तो ये क्षेत्र, अब सूर्य का मांडला यहाँ 780 पे चल रहा है, अब ये सारे पर्वत तो उससे भी ऊंचे हो गए, तो इसकी धूप यहाँ आएगी, सिर्फ इतनी आएगी, यहां से यहाँ सूर्य जाएगा वहां पे धूप आएगी, बस इससे ज्यादा इसको धूप मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, जो माँ हिमवान पर्वत बोला था उसके ऊपर जो शब्दापाती वृत्त वैताढ़ पर्वत, उसकी बात करेंगे। ये 1000 योजन ऊंचा है, फिर 250 योजन पृथ्वी में है जमीन के नीचे, और 1000 योजन लंबा चौड़ा, ऊंचा भी 1000 लंबा चौड़ा भी 1000, और इसका घेरावा मतलब इसकी परिधि 3162 योजन। इसके आसपास सुंदर पद्मावर वेदिका है, वनखंड है, उसके ऊपर एक प्रासाद है जिसमें स्वाति नाम का देव है जो एक पल्लवम आयु धारण करता है। इसकी राजधानी आदि सब अगले जो देवों की बताई उसके हिसाब से जाननी चाहिए। स्वाति देव स्वाति नक्षत्र का है, तभी है नाम के आपको तो बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, वो स्वाति नक्षत्र के देव ऐसे मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने देव देवी तो है कि पूछो ही नहीं, इतने देव देवी। ठीक है, आगे जाऊं मैं, वृत्त वैताढ़ पर्वत का माप ही था और कुछ नहीं था, आगे जाएंगे। ये वैताढ़ पर्वत ने हिमवत क्षेत्र को दो भाग में बांट दिया है, और दो नदी मतलब एक रोहिता और रोहिताशा, दो नदी यहाँ उत्तर और दक्षिण में बहकर
उसके दो विभाग बना रही है। इस प्रकार से हेमवत क्षेत्र के चार विभाग बने और वो चार विभाग के भी 56,000 नदियां बनती, 56,000 और दो। देखो मैं फिर से पिक्चर में लेके जा रही हूं आपको, 56,000 कैसे बनेगी देख लो। वो एक में देख लिया ना तो दूसरे में बहुत इजी हो जाएगा। यहां से पद्मद्र से रोहिता नदी गिरी, नीचे गिरी, ये बही 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 वैताड़ पर्वत तक आई और यहां से यहां डिवीजन में आई और यहां से ये लवण में, ये जो जम्बू की जगती है उसको तोड़ के लवण में वो सम्मिलित हो गई। तो ये नदी यहां से निकलती है वहां से 125 योजन और यहां आते 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 सॉरी 12.5 योजन और यहां आते आते 125 योजन हो गई। ये इस नदी ने कितने विभाग बनाए, 14,000। ये इतने, देखो यहां चार भाग हो गए, ये नदी के कारण दो भाग पड़े, एक और दो, तो 14,000 यहां और 14,000 यहां। 28,000 नदी ये रोहिता नदी की हुई, सॉरी 28,000 नदी रोहिता की हुई। और ऐसे ही ये यहां से पद्म महापद्मद्र से, ये पर्वत से जो नदी, ये पद्मद्र है, यहां से जो नदी गिरी रोहिताशा, ये नदी भी वैताड़ पर्वत तक आती है, यहां से इस तरफ बहती और ये भी यहां 56,000 यहां 56,000, 28,000 56,000 इसके भी भेद हुए टोटल। चौदह हर एक नदी के 14,000 गिनने आपको। इसने यहां 14 किया, यहां 14 किया, नदी ने 28 बनाए लेकिन 14,000 यहां 14,000 यहां, ये नदी ने भी 28,000 बनाए लेकिन 14,000 यहां 14,000 यहां, ऐसे टोटल 56,000। और ये दो नदी, एक ये और एक ये, टोटल 56,000 और दो नदी ये क्षेत्र की, हेमवत क्षेत्र की हुई। बोलो समझ में आया, इजी है, इजी है। 56,000 दो कैसे हुई, ये नदी यहां से जो गिर रही है वो भी 28,000 बनाएगी तो 14,000 यहां 14,000 यहां। अब ये नदी जो यहां से गिरी वो भी 28,000 बनाएगी, 14,000 यहां 14,000 यहां, तो 14×56,000 हो गया। और ये जो दो नदी है वो अलग से हुई, तो 56,000 और दो नदी ये हेमवत क्षेत्र की हुई, बराबर। जो बताया है वो क्षेत्र के मामले में है, मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा इस क्षेत्र का स्वप्रभाव है कि इसकी धरती शक्कर से भी मीठी, इसके कल्प वृक्ष के पुष्प फल पत्र आदि चक्रवर्ती के भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट, और यहाँ के युगलिया लोगों को संताप कारक जू खटमल मक्खी मच्छर आदि कोई जीव यहाँ उत्पन्न नहीं होते, धूप होती नहीं। देखो यहां समझना ये है कि सूर्य का ताप है नहीं, धूप होती नहीं, भेज भी बनेगा नहीं, तो फिर जो हवा में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं ना मच्छर मक्खी वो सब तो यहां होंगे ही नहीं। भूत प्रेत यक्ष या रोगादि का भी किसी तरह का यहां उपद्रव नहीं है। यहां के लोग खाली बगासा खाते हैं और जम्हाई लेते हैं, छींक खाते हैं और मर जाते हैं, ये उनका रोग है, इनका रोग ही यही, इनको सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जब मृत्यु होती है तब। यहाँ के वाघ सिंह आदि हिंसक प्रभु पशु भी अहिंसक होते हैं, वाघ सिंह भी यही कल्प वृक्ष का ही आहार करके अपना निर्वाह कर लेते, वाघ सिंह सर्प सब अजगर कोई किसी को मारता नहीं, सारे चुपचाप अपने काम पे चलते रहते हैं, घर में रहते हैं और चलते रहते हैं, खाना खा लिया चले, उठे खाना खाया सो गए, उठे खाना खाया सो गए बस। अब यहाँ के मनुष्य देखो एक कोष ऊंचाई, यहाँ के मनुष्य एक कोष ऊंचे, फिर उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम और जघन्य पल्योपम से कुछ कम आयुष्य को धरने वाले, उनकी देह की आकृति बहुत सुंदर है, 64 पसली है, अपनी संतान को 79 डेज
दिन लालन पालन करके वो बड़ा करते हैं। एकांतर मतलब एक दिन छोड़ के एक आंवला जितना आहार ये लेते हैं। सुंदर वस्त्रधारी है, सेव्य सेवक भाव से ये रहित है, मतलब यहाँ कोई सेवक नौकर नहीं है, काम ही नहीं करना है, और हेल्दी शरीर है आपका, आपको किसी नौकर की जरूरत नहीं, यहाँ किसी का माथा भी नहीं दुखेगा, किसी को उल्टी भी नहीं होगी, बुखार भी नहीं आएगा। बड़े विलक्षण बुद्धिजीवी लोग है ये, इनमें बुद्धि बहुत होती है। वज्र वृषभ संगण है, शरीर हड्डी सारी मजबूत, कभी हड्डी टूटेगी ही नहीं इनकी, कभी नहीं टूटेगी। पृथ्वी रूप घिसेगी भी नहीं, पृथ्वी रूप माटी, और कल्प वृक्ष के पुष्प पत्र फल को खाने वाले, ये लोग माटी खाएंगे और पुष्प पत्र फल को खाएंगे, और तो और स्वभाव से ये अल्प राग द्वेष करने वाले, ये ज्यादा राग द्वेष भी नहीं करते। वहां के सुवर्ण मणि रत्न पर ममत्व स्वभाव वाले, वहां पे जो उत्पन्न होते हैं मणि रत्न उस पे उनकी ममता बहुत होती है, उनको लगा उनको हीरे डायमंड जो भी उत्पन्न होते हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं। हाथी घोड़े आदि सवारी योग्य पशु प्राणी होने पर भी ये कभी सवारी नहीं करते, कभी उसका उपयोग नहीं करते, हमेशा पादचारी, हमेशा पैदल चलने वाले, और अंत में मर के नियमा देवलोक गमन करने वाले युगलिक होते हैं। समझ में आया? और एक कोष का मतलब हजार धनुष आपको समझना है, क्योंकि 500 धनुष में तो आप मोक्ष जा ही सकते हो, ठीक है? तो ये इससे ऊपर के हो गया आपको, और 500 धनुष में 64 पसली नहीं होती, तो ये आपके हिसाब से इसको आपको हजार धनुष की काया को समझना है। आगे जाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया बराबर। अब क्षेत्रों में ऐसे मनुष्य का उत्पन्न होना, वहां कल्प वृक्ष का उत्पन्न होना, वहां माखी मच्छर डांस कुछ नहीं होना, पशु होने पे भी किसी को मारना नहीं, किसी को खाना नहीं, ये सबके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हाँ, बद्धा पासे सबके पास सब होता है, बुद्धिजीवी भी है, हर चीज मिल जाती, कल्प वृक्ष किसी को कोई चीज नहीं मिलेगी वो तो है ही नहीं। झाड़ पे ही रहना है, वृक्ष पे ही रहना है, और वृक्ष से ही खाना है। अब ये सोचो, सिर्फ इतना सोचो, हमारी हाइट कितनी है? 6 फुट की। अब 6 फुट में झाड़ की हाइट कितनी है? कम से कम सात माल बराबर, तो 6-7 फुट ऊंचाई को 7 माल है, तो 500 धनुष की ऊंचाई वाले को कितने ऊंचे झाड़ होंगे? उसे 7 गुने तो हो ही गए ना, जो उनकी ऊंचाई है उससे 7 गुने ऊंचे कल्पवृक्ष हुए हो गए, तो वही तो उसके लिए महल है, रहने के लिए वही उसके लिए महल, और उसका खाना तो हमारा चक्रवर्ती खाए ऐसा खाना है, ऐसा पुष्टिदायक खाना है, कल्प वृक्ष के फल और जो भी फल है, फ्रूट है, जो भी है, वो वृक्ष के पत्ते हैं। तो यही बात है कि उनसे ही उनको ऐसी औषधि युक्त और पुष्टिदायक खाना मिल जाता है कि उनको कोई रोग होता ही नहीं। तो ये होने का कारण भी मैं बोल रही हूँ और तू बोल रही है ना, तभी आवाज क्रैक हो रही है, तो तू सवाल करके बंद कर देगी। हाँ, ये कहू छू, ए सवाल करी तरत बंद करी देजे। जो वहां पे क्या सवाल क्या किया तूने? युगलिक को जन्म देते हैं। हाँ, बराबर, उनकी आयु पूरी होनी है, उससे वो 49 दिन पहले, 49 डेज पहले, 49 डेज पहले एक युगलिक बच्चे को जन्म देंगे, जोड़े को जन्म देंगे,
और वही जोड़े को 49 डेज वो बड़ा करेंगे, उसके फिर ये उसके माता पिता मर जाएंगे और 49 डेज में ही वो बड़े हो जाते हैं। सिर्फ 49 डेज तक वो लालन पालन करेंगे बस। हाँ अलग 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 अलग, जो जो पहले आ रहे के युगलिक है वो 49 डेज, दूसरे आ रहे के युगलिक है वो कुछ बीच में आएगा 59 या ऐसे डेज, और ये 79 डेज। और गर्भकाल कितना होता है उनका, अपने जैसा ही होता है कि अलग होता है? वो ऐसा अपने जैसा तो किसी को मतलब वो तो मेरे हिसाब से तो सारे के गर्भकाल 9 मास का ही आना चाहिए सबका, फिर वो 500 धनुष वाले हो या ऊपर उससे ऊपर वाले हो, जो भी हो वो एक ही आना चाहिए, गर्भकाल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर फर्क होता तो यहाँ बताते, होता तो जरूर बताते, बराबर। तो बस ये उनकी सिस्टम है, और ऐसे यहाँ ये जीव उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं और यहाँ से नियमा देवलोक में ही जाते हैं। अब आपको यही समझना है कि ये क्षेत्र में ये व्यवस्था होने का कारण ही ये है कि ये क्षेत्र ग्रहों की असर से काफी दूरी पे है। अब दूसरा क्षेत्र इससे भी दूरी पे आएगा तो यहाँ इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। अब जो जिसको इस तरफ से 1000 योजन की ऊंचाई हो, दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा 1200 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत हो, दो पर्वत के बीच में ये जब लोग रहते होंगे तो उनको तो तकलीफ आने की तो कोई संभावना ही नहीं है ना। नैसर्गिक उपद्रव जैसे कोई वावाझोड़ा आ गया, पूर आ गया, कुछ नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी आगे के चैप्टर में जाएंगे। क्षेत्र आया, अब पद्मद्रव थोड़ा ज्यादा द्रव, यहाँ पद्मद्रव था, यहाँ पे महापद्मद्रव था, देखो यहाँ पद्मद्रव, अभी आपको तीनों द्रव दिखाई देगा बराबर मध्य में, यहाँ पद्मद्रव। हाँ माँ हिमवान पर्वत अहिया वंचाय से हरिवर्ष क्षेत्र, आ हरिवर्ष क्षेत्र वंचाय से माँ हिमवान पर्वत ने तो मैं तुमने समझावी दीदू ने 56,000 नदी ओनू आपको मैंने समझा दिया ना। हा એટલે મા હિમવાન પદ્મદ્રવ પણ તો કરાવી દીધું ને, મા પદ્મદ્રવ 56,000 નદી નીકળે છે। અચ્છા એટલે પહેલા કરાવી તમે? બે ભેગું જ કરાવી ને સાથે સાથે। અચ્છા હિમવાન પર્વત કર્યો, જો હવે હું સમજાવું છું સમજો, અહીંયા આ આવ્યું કયો પર્વત, જો અહીંયા પીળો દેખાય છે પહેલો કરસર જાય ફરે છે ત્યાં, એ આવ્યો લઘુ હિમવાન પર્વત, એના પછી આ હેમવત ક્ષેત્ર જે હમણાં તમે ભણ્યા એ કે સદાકાળ ત્રીજો આરો, અને અહીંયા જે 56,000 નદીમાંથી જે નદી નીકળી અહીંયાથી નીકળી આદ્રથી મહાપદ્મદ્રથી, તો આપણે સમજી લીધું ને। હા એટલે હવે અહીંયા જ આવશું ને, ઓકે। આ સદાકાળ બીજા પહેલા આરાનું ત્રીજા આરાનું ક્ષેત્ર હતું, હવે એના પછીનો આ મહા હિમવાન પર્વત જ્યાંથી રોહિતા રોહિતાશા નદી નીકળી, જેણે 56,000 નદીઓ બનાવી, એ આ ક્ષેત્રનું પૂરું થયું। હવે આપણે એના પછીના ક્ષેત્રમાં જઈએ, એનું નામ છે હરિવર્ષ ક્ષેત્ર। એ ક્યાં આવ્યું, એ કહા આયા, તો એ મહા હિમવાન પર્વત ઓર નિષદ પર્વત કે મધ્યમે આયા। મેરા કરસર ઘૂમ રહ્યા હૈ, દેખો આપ। अब यहां से जो दो नदी निकली थी, ये रोहिताशा नदी, वो इस तरफ गई, और अब जो दूसरी नदी है उसका नाम देखो यहां लिखा हुआ है हरिकांता नदी, वो इस तरफ आई। हरिसलीला हरिकांता, यहां दो नदी निकलेगी, यहां से एक नदी ये ध्रुव से निकलेगी, यहां गिरेगी, ये पर्वत तक आएगी, यहाँ वापस आएगी, ये नदी यहां से आएगी, गिरेगी यहां से, यहां जैसे जैसी यहां व्यवस्था थी वैसी सेम व्यवस्था यहां पे। व्यवस्था में कोई भेद है?
ये दृश्य उत्तर में निकलने वाली नदी यहाँ गिरी ये क्षेत्र में और दक्षिण में निकलने वाली और उत्तर में निकलने वाली ये क्षेत्र में गिरी और यहाँ पे ये दृश्य दक्षिण में गिरने वाली नदी तो यहाँ पे भी दो नदी मिली ना एक यहाँ से और एक यहाँ से समझ में आया हाँ देखो ये दृश्य दो नदी निकली बराबर मां पद्मद्रा से दो नदी निकली ना तो एक उत्तर में गई एक दक्षिण में गई तो यहां से भी दो नदी निकली एक उत्तर में जाएगी एक दक्षिण में जाएगी तो दो पर्वत के बीच में जो क्षेत्र रहेगा वहां दो दो नदी आएगी ना हर जगह से यहाँ पे दो नदी आई थी तो यहाँ दो आई देखो एक भाग एक भाग एक भाग चार भाग बनेगा आपने पहले देखा ना वो इस क्षेत्र में 56,000 14,000 के चार विभाग देखे ना यहाँ वैसे बड़ा विभाग हो गया उससे बड़ा हो गया ये एरिया 4,000 योजन का था ये एरिया कितने योजन का हुआ 8,000 योजन इससे डबल डबल जाता जाएगा निषद पर्वत 16,000 का देखो ध्यान से सुनो अभी मैं फिर से सब बोल रही हूँ भरत क्षेत्र 500 योजन उससे दुगुना उसके बाद वाला पर्वत 1,000 योजन उसके बाद आया क्षेत्र हेमवर क्षेत्र वो 2,000 योजन उसके बाद ये मां हिमवंत पर्वत वो 4,000 योजन उसके बाद ये क्षेत्र आया वो सीधा 8,000 योजन उसके बाद ये निषद पर्वत 16,000 योजन समझ में आ रहा है एक क्षेत्र पर्वत क्षेत्र पर्वत बोल समझ में आ गया बस एक क्षेत्र एक पर्वत अब यहाँ जो दो नदी गिर रही है ना एक पर्वत से ये पर्वत से एक ये पर्वत से अब ये नदी ने कितना नदी बनाई वो 56,000 से तो ज्यादा ही बनाई होगी क्षेत्र बड़ा है बहुत सिंपल है देखो गंगा ने कितनी बनाई थी 14,000 ये दो रोहिता रोहितासन ने कितनी बनाई थी 28,000 तो ये दो नदी कितनी बनाएगी 54 इससे दुगुना 28 का डबल 56,000 56,000 डबल एक नदी 56 बनाएगी एक लाख 12,000 हाँ तो 1,00,000 मतलब 56,000 और 6 तभी तो डबल होगी ना 56 की डबल करो 1,12,000 हुई हाँ बोलो समझ में आ रहा है ना बहुत इजी है क्षेत्र डबल होगा नदी भी डबल होगी ठीक है द्रव्य डबल हो रहे हैं सब चीज डबल हो रही अभी हम इसकी विगत पढ़ेंगे आओ अब यहां पे परपर्यंक पलंग के समान हरिवर्ष नामक क्षेत्र आया ये क्षेत्र विष्कंभ मतलब कि चौड़ाई में 8,421 योजन कम से कम 8,500 योजन हो गया और इसका शर 16,000 योजन ऊपर 15 कला मतलब इसका जो शर है वो 16,000 और इसकी ज्या 73,000 ये बाण की बात है ये बाण और ये जीवा ठीक है जीवा इसकी 73,000 है और इसका धनुष है वो 16,315 धनुपृष्ठ हो गया 84,000 अगर जीवा 73,000 है तो धनुष उसे ज्यादा ही होता है वो हो गया 16,000 अब आगे आओ इसकी प्रत्येक बाहा 13,000 ये उसका पूरा नाप लिखा है प्रतारात्मक गणित और ये सर्व मिला के इसके प्रतारात्मक गणित सर्व मिला के कितना हुआ पता है
54 करोड़ से ऊपर योजन होता है। अब इस पर्वत के क्षेत्र में बराबर मध्य में गंधा पाती वृत्त वैताड़य आया है, उसका नाप हमें आगे की तरह ही समझना है। इसका जो वृत्त वैताड़य है, आओ पिक्चर में देख लो, देखो ये वृत्त वैताड़य है इसका, इसका नाप इसके जैसा ही, मतलब 1000 योजन चौड़ा, 1000 योजन ऊंचा, 1000 योजन उसमें से 250 योजन जमीन में गहरा, ये नाप इसका और इसका एक ही आएगा। क्षेत्र का चौड़ा क्षेत्र ज्यादा है लेकिन वैताड़य पर्वत एक जैसा है। आओ इसका नाम है गंधापाती वृत्त वैताड़य पर्वत। आगे जो शब्दापाती था बिल्कुल उसके जैसा ही है ये। यहाँ पद्म नाम का एक पल्युपम के आयु वाला देव है। ये शब्दापाती गंधापाती के ऊपर जो देव है उसका नाम है पद्मदेव, पद्मदेव। अब ये क्षेत्र में 1,12,000 नदी बह रही है। जैसे ही आपने पहले समझा बिल्कुल वैसे ही एक एक नदी, यहाँ दो नदी है, एक है हरिकांता हरिसलीला, दोनों का नाम ये है हरिकांता हरिसलीला, और एक एक नदी 56,000 प्रवाह बनाती है, 56,000 नदी बनाती। ये क्षेत्र में पुत्र पुत्री साथ में जन्म लेने वाले ऐसे विलक्षण विद्वान चतुर युगलिक मनुष्य वास करते हैं, जिसकी देह 2 कोस ऊंची, देखिए उससे ज्यादा हो गया, डबल हो गया, वो 1 कोस थे ये 2 कोस हो गए, और उत्तम उत्तम लक्षण भी होते हैं इनके, इनका आयु उत्कृष्ट से 2 पल्युपम का, जो वो 1 पल्युपम की आयु थी ना, यहाँ आयु 2 पल्युपम हो गया उत्कृष्ट से, और जगन्य से भी पल्युपम के असंख्यातवे भाग कम ऐसे 2 पल्युपम, मतलब जगन्य में भी 2 पल्युपम में थोड़ा ही कम है, ज्यादा नहीं। ये मनुष्य हमेशा छट छट छट, मतलब हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के अंतर में 2 दिन छोड़ के भोजन करते हैं, वो भी केवल बोर जितना, बोर बैर होते हैं ना छोटा सा, वो आंवला खाते थे जितना, ये बैर जितना ही करेंगे, और वो भी 2 दिन छोड़ के, हर 2 दिन छट करेंगे फिर खाएंगे, छट करेंगे फिर खाएंगे। इनके शरीर में 128 पसली होती है, जो थी 64 उससे डबल हो गई है, पहले तीसरे आरे वाले थी उससे ये डबल हो गए, इतनी पसलियां होती है। ये मनुष्य 64 दिन तक अपनी संतति का लालन पोषण करते हैं, 64 दिन, देखो उससे बढ़ रहा है, समझ में आया, पहले 79 डेज थे, अब है 64 दिन। ये 64 दिन तक अपने बच्चे का लालन पालन करेंगे, फिर उसके बाद अपने बच्चे की जन्म देने के 6 महीने के बाद, मतलब 64 दिन ही होंगे मतांतर से, किसी ने मतांतर में बताया, लेकिन 64 दिन के बाद ही ये मृत्यु को प्राप्त होके देवलोक में चले जाते। तो इस हरिवर्ष क्षेत्र में हमेशा सुषम काल ही रहेगा, मतलब हमेशा दूसरा आरा, हमेशा दूसरा आरा रहेगा। ये क्षेत्र का प्रभाव, यहाँ के जीवों का बल, संघयन आदि सर्व वस्तु हैमवत क्षेत्र की वस्तु से अनंत गुण अधिक पर्याय वाली होती है। मतलब जो आपने हमेशा तीसरा आरा देखा उससे भी ये क्षेत्र में अनंत गुण शुद्धि वाली हर चीज मिलेगी, हर एक चीज में उससे अनंत गुणी शुद्धि मिलेगी। खाने में भी उत्तम उत्तम, या वहां का जो खाना था वो चक्रवर्ती जैसा था, तो ये तो अनंत, और उससे भी अनंत अनंत शुद्ध मिलेगा। एक बोर के जितना होता है वो भी इतना शुद्ध होता है। आपको ये एक बोर नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये हमारी ग्रह की व्यवस्था से कितने दूर चले गए। आंवला और बोर तो हमारे लिए है ना, उनको कहाँ पता है इसको बोर बोलेंगे या आंवला बोलेंगे। वो हमारे जितना फल ही बहुत है उनके लिए,
हम देखिए एक बात मैं समझाऊं, आप किसी भी चीज मतलब आप एक ग्लास भर के दूध पी रहे हो, सारी का बंद कर दे रहा वॉइस बंद। हम लोग एक ग्लास भर के दूध पीते हैं, उसके बदले में अगर हमने पाव चम्मच घी खा लिया तो समझ में आ रहा है, जो एक ग्लास दूध का कस है वो पाव चम्मच घी में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही जो शुद्धि होती है ना, ये कल्प वृक्ष है, हमारा सादा वृक्ष है, हमारे वृक्ष सूख जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहां जो चीज होगी ना, वो जैसे हम एक लीटर के दूध में से एक कटोरी घी निकालते हैं, वैसी शुद्ध हर एक चीज की शुद्धि वहां पे ऐसी घोल घोल के अंदर से जो शुद्धि निकाली है वैसी होगी। आप अगर एक छोटी सी एक क्रॉसिन लोगे तो भल भला कितना भी 2 डिग्री बुखार होगा चला जाएगा, फ्रेश हो जाओगे, होगा कि नहीं होगे, तो ये सत्व वाली चीज होगे, ये सत्व वाली चीज हो, ये उनके शरीर को पुष्टि दे रही है, जैसे वो क्रॉसिन की गोली बुखार में हमारे शरीर को पुष्टि दे रही, बिल्कुल ऐसे ही उनको वो एक इतना छोटा सा दाने बोर जितना, यहां तो बोर है, अब पहले आरे में तो बिल्कुल चने की दाल आएगी, आंवले से बोर पे आया है, बोर से चने की दाल पे आएगा, मतलब वो भी 3 दिन के बाद, अठम के बाद। अब जो अठम करेंगे, छठ करेंगे, जाहिर है ना वो तो देवलोक में ही जाएंगे। हाँ यही तो बात है, यही तो पुण्यशाली के जीवों की बात है, उनके शरीर भी ज्यादा सब बड़ा हुआ लेकिन खाने की जरूरत ही नहीं, और हमारे छठे आरे में छोटे 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 होते जाओगे लेकिन खाना 10 गुना खाओगे, क्योंकि खाना ही कचरा आएगा ना हमारे लिए, तो हमारे खाने में पुष्टि है ही नहीं, अब पुष्टि नहीं है क्या करो। बोलो समझ में आया आज का लेक्चर? हाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब हर एक क्षेत्र जो युगली क्षेत्र है उसके उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ पर्वत है, दोनों पर्वत पे एक एक ग्रह है, और हर एक ग्रह में से एक एक नदी निकल रही है और वो क्षेत्र में बह रही, ये सीधा गणित है। और जो भरत क्षेत्र लास्ट है उसके लिए 2 नदी आ रही उसके आगे के ध्रुव में से, हर एक क्षेत्र में 2 नदी तो चाहिए ही चाहिए ना, भरत में भी 2 नदी चाहिए, तो भरत में से वो ही पद्मद्रव से ही 3 नदी निकाल दिया, 3 नदी में से 2 नदी भरत में आई, 1 नदी हेमवत में गई, तो हेमवत में दूसरे ध्रुव से एक और नदी आ गई। अब ये कितनी बढ़िया व्यवस्था है, समझ में आ रहा है आपको? और यही शाश्वत है, ये व्यवस्था कभी खत्म नहीं होने वाली। अब ग्रहों के घूमने के कारण भरत और ऐरावत में बदलाव आएगा लेकिन मध्य के कोई क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि ये सारे क्षेत्र के पर्वत है ना बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचाई में, बोलो कोई प्रश्न है? ये 2 ध्रुव समझ में आ गया, 2 पर्वत समझ में आ गए, तो तीसरा आज लूं या बाद में लूं, अभी इतना बस है? नेक्स्ट क्लास में ले जो, क्योंकि एक साथ एक चीज आ जाएगी ना तो वापस गोल गोल हो जाएगा। नहीं नहीं मैं यही कह रही हूँ कि मैं अगले क्लास में इसलिए लू क्योंकि अगर साथ में हो गया ना, आज 3-3 हो गया ना, तो आपके समझ में से सारा ओमिट हो जाएगा। पर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोलो, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये
शाश्वत व्यवस्था है, आपको अपने मति और श्रुत ज्ञान में इसको बिल्कुल भरना है, ऐसा भरना है कि कहीं वो क्षेत्रों में भी अगर हम गलती से भी चले गए ना, वहां जन्म ले लिया ना, तो यहां से हम ये सम्यक दर्शन लेके भी अगर गए ना, तो हम वहां पे भी अपने सम्यक दर्शन को टीका के वापस हम अपने दूसरी योनि में भटके नहीं, लेकिन यहां से बाहर निकल जाए। आपको बिल्कुल इसको सम्यक तरीके से अपने दिमाग में, अपने सोच में ये ज्ञान को लेना। ये शाश्वत परंपरा है और हम ये पूरे ढाई द्वीप में ऐसे आपको 15 अकर्म भूमि मिलेगी, 30 अकर्म, सॉरी मेरी गलती होगी, 30 अकर्म भूमि मिलेगी आपको ऐसी। 15 कर्म भूमि है सामने, 30 अकर्म भूमि मिलेगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कर्म भूमि में ही जन्म ले, हम अकर्म भूमि में भी तो जा सकते हैं ना, अभी तक तो गए ही होंगे ना, अभी तक हम गए भी होंगे। इस चीज को हमें जड़ना है। देखो यहाँ एक चीज अगर आपने नोट की हो तो इनका ममत्व कहाँ पे है, चलो मैं पूछ रही हूं, मैंने बोला है लेकिन आपको किसी को याद है तो ये बताओ, यहाँ इनको करना क्या है ये बताओ। चलो एक ही शब्दों में सारी चीज आ गई। ये तो मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि वो वहाँ बैठ के करते क्या है पूरा दिन। तो ये बोल गई मैं वही पूछ रही हूँ आपको कि आप में से किसको याद रहा। पर ममत्व आ गया है, आपने ये देखा हो तो, इनका ममत्व किस पे? देखो बच्चा तो होगा ही नहीं मरने के 49 डेज पहले, पहले आरे वाले को, दूसरे आरे वाले को मरने से 64 दिन पहले, तीसरे आरे वाले को मरने से 79 दिन, 89 दिन, 80 मतलब 89 दिवस पहला, तो बाकी आखी जिंदगी आटलू एक पल्योपम नु आयु, बे पल्योपम ना आयाम आयुष्य में लोग करे छे शू? मैं बोल गई, याद है किसी को? ममत्व शब्द आया है, इनका ममत्व किसके ऊपर है? इनका ममत्व वहां के रत्नों के ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं है। हाँ, इनका काम ही यही है, मोती इकट्ठा करो, रत्न इकट्ठा करो, लेके घूमो और कुछ नहीं करो, खाया सो गए। ये मेरा, ये घर मेरा, ये झाड़ मेरा, ये मैं इस पे, ये वृक्ष के ऊपर मैं रहूंगा। एक मिनट है, एक मिनट है, जरा घूमना है, हीरे जवाहरात इकट्ठे करने हैं, रत्न इकट्ठे करने हैं, उसको ले लेके घूमना है बस। जैसे बच्चे होते हैं ना कंचे, आप क्या लोगे? बच्चों को क्या होता है, कंचे मिल गए, कंचे इकट्ठे कर लिए। आप अगर कहीं ऐसे गए और अलग प्रकार के पत्थर मिले, आरस के टुकड़े मिले, तो इकट्ठे करते हैं ना हम लोग। यही कारण है कि देवलोक में, यहां से देवलोक जाना, क्योंकि वहां भी तो रत्न और यही तो करना है, आपके मन में वही तो भरा हुआ है। अब कोई पड़ापड़ी तो करेगा नहीं क्योंकि भरपूर रत्न है, भूमि रत्न की है। हमारे यहां रेती कंकर पत्थर मिट्टी मिलेगी, वहां पे रत्न मिलेगा भूमि में, रास्ते में पड़े हुए मिलेंगे। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, शोधना कहाँ है, ले लेके घूमना है, खेलते रहना है बस। उनका थायज नहीं ना, कारण कि वधारे जो हो तो क्या थी थाय तू बस बस सु युगली कौन बने, युगली कौन बने,
युगलिक वही बनेंगे जो सुख और पुण्य शांति से बगैर रोग कुछ भी किए बगैर आपको शांति से समय निकलना है वो युगलिक बनेंगे। जिनके शरीर में कोई प्रकार की व्याधि उत्पन्न ना हो ऐसा पुण्य बांधा होगा तो आप युगलिक बनोगे। यहाँ पे शांति और वहाँ भी शांति। जिनको प्रिय हो जिनको किसी से झगड़ा नहीं करना है तू तेरे घर में रह मैं मेरे घर में रहूं। आप देखो आपको सबसे ज्यादा हमारे छह खंड में जो भूमि है ना अनार्य भूमि मतलब जो बाकी के खंड उसमें यही व्यवस्था है आप भी सुखी रहो हम भी सुखी रहे। फॉर्मालिटी का व्यवहार है कि नहीं आज अमेरिका रशिया हर जगह कैसा व्यवहार है बोलो। तू तेरे रस्ते मैं मेरे रस्ते फॉर्मालिटी का व्यवहार है कि नहीं। आप भी खुश मैं भी खुश और जैसे बहुत सारे रोड खाली के खाली वृक्ष ही वृक्ष और लोग बहुत कम आपको जैसे ये व्यवस्था दिख रही है ना कल्प वृक्षों के बीच में मनुष्य आपको वहाँ भी ऐसे ही मिलेंगे। आप वहाँ के फल फ्रूट तो देखो हमारे से कैसे अलग है। वहाँ के कलिंगर देखो वहाँ के जमरुख देखो हमारे से चार गुने बड़े है कि नहीं। मतलब वो भी एरिया कहाँ है हमारा जो ग्रहों का घूमना है सूर्य का प्रकाश है उससे तो वो एरिया भी तो दूरी है कि नहीं बताओ। जो हिमालयन मतलब वैतड़े के दक्षिण भारत में जैसा आपको अन्न पान खान सब मिलेगा खेती मिलेगी ऐसी ऊपर के तरफ में उत्तर में होती है क्या। यहाँ से तो उत्तम ही होती है ना लोगों की स्थिति भी तो उत्तम है। वहां आपको कोई ऐसे धुआं या फिर गर्मी या फिर वो लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते चलो ये बताओ। फॉरेन वाले को ये भूमि गंदी क्यों लग रही है। हाँ उनको ये गंदी लग रही है यहाँ कीचड़ लग रहा है यहाँ पे कंकर लग रहे हैं यहाँ पे गंदगी लग रही है यहाँ पे गर्मी लग रही है सब कुछ लग रहा है क्यों। आप इसी से कल्पना कर सकते हो कि जब वो इतने दूर है मांडले से तो यहाँ इतना सुख है हमारे और उनमें खान पान सब में फर्क है रहने में फर्क है जमीन में फर्क है भूमि में फर्क है तो कल्प वृक्ष वाले में तो कितना फर्क होगा सीधा हिसाब है। अब समझ में आ रहा है खाली भारत देश छोड़ के बाकी सारे में आपको कर्म भूमि नहीं मिलेगी। मतलब सीधे वहां से मोक्ष जाना बंद एक ही आर्यखंड है बाकी छह में से कोई पांच आर्यखंड नहीं है। अब ये क्लियर हो रहा है पहले ये बताओ चलो। सीधा हिसाब लगाना जो प्रकृति बिगाड़े नहीं सिर्फ अच्छा ही करे वो कभी भी हमारे काम की नहीं ये सीधा हिसाब। और जो प्रकृति बिगाड़े भी अच्छा भी करे वो ही आपको यहां से निकाल सकती। ऐसे कल्प वृक्ष में रहना ऐसे युगलिक चाहे कितना अच्छा हो चाहे वो आपको देवलोक ही ले जाए लेकिन हमारे काम का नहीं। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे बाकी के हमारे ये एक खंड एक छोड़ के बाकी के पांच खंड चाहे कितने भी अच्छे हो चाहे कितने भी बढ़िया हो चाहे अच्छी व्यवस्था है वहां पे ना कोई गर्मी है ना पसीना निकल रहा है कुछ नहीं निकल रहा है वो वहां पे रेड कार्पेट एरिया में रहते हैं मालूम है ना। मतलब जैसे कल्प वृक्षों के बीच में युगलिक रहते हैं सीधी बात उनको हमारे जितने रोग भी नहीं होते। आपको ये पता हो तो ये मैं बता दूं कि टीबी वाला वहां अलाउ भी नहीं है यूरोप में अमेरिका में कहीं भी। अगर पता चले ना आपको टीबी हुआ है डिटेक्ट हुए तो आपको वो भेज देंगे इंडिया वापस। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा कोई रोग ही नहीं होते वहां आपको आज भी 90, 95, 100 लोग मिलेंगे ना ज्यादा खाना पीना अच्छा मिलेगा बिल्कुल ऑर्गेनिक।
तो जहाँ ऐसी चीज मिले समझ लो कि ये आर्य देश नहीं है। सिंपल लॉजिक। हाँ बस भगवान ने बचाया है आपको, ना भेज के बचाया, ना भेज के बचाया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये भूमि से सारी चीज क्लियर हो जाए। भूमि की पैदाइश अच्छी हो, खुराक अच्छा हो, खेती बाड़ी अच्छी हो, वनस्पति फ्रूट फल अच्छा हो, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आर्य भूमि है। ज्यादा अच्छा तो आपको कल्प वृक्ष वाली भूमि तो इससे भी ज्यादा अच्छे में मिल जाएगी, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। बराबर, आज शायद बहुत सारी चीज जानने को मिली है ना? बेटा तू ले ना। बोलो कोई प्रश्न छे? याचना तू जमी? आ कोरोना जाए ने पछि तमने लईने बेचया ताडा पालीताणा जतो रहे। चलो जता रहिए, पालीताणा जता रहिए, અને અહીંયા જઈ આવ્યા મહાત્માને તો ખાસ મળી આવીએ સુરત બિલીમોરા જ્યાં હોય ત્યાં બારડોલી। સરસ, આપણે એમનું ભણી રહ્યા છીએ તો હા આપણે એમનું ભણી રહ્યા છીએ તો આપણે એમને અનુમોદના કરવી જોઈએ, બરાબર હા ને? હા, એમના પુસ્તક ભણી રહ્યા છે તો આપણે એમને ચોક્કસ અનુમોદના કરવી જોઈએ। બીજા બધા મહાત્મા લખી લખીને અનુમોદના કરી છે, આપણે ભણીને અનુમોદના કરી રહ્યા છીએ। હા, એટલે મળી આવશું, એમ થશે તો એક વાર બારડોલી તો જઈને સવાર જઈને રાતના પાછા આવશે, એક દિવસ એવું ટ્રીપ કરશું જ આપણે। હા, બસ રાતની કોઈ ગાડીમાં પાછા ટિકિટ કરાવીને જ જશું ત્યાંથી, હા ને? એમને પહેલા પૂછાવીશ, આવીએ પછી આપણે જશું। હા, એટલે જવા દો ને, પછી વાત, દિવાળી પછી વાત। આમે દિવાળી પછી ચોમાસું પત્યા પછી પણ સુરત જ આજુબાજુ હશે, આપણે ત્યારે જઈ આવશું। એક દિવસ રોકાવું હશે તો રોકાવશે બી, ત્યાં તો ઘર છે ને આપડા, એટલે ચિંતા નથી। બારડોલી થી સુરત જ નથી આવી આજે, કાશ્મીર બી નથી આવી ને આજે બીજું બી કોઈ, એલા નૂતન બેન નથી આવ્યા ને અમિતા આવી છે, અમિતા હમણાં આવી, હા પણ નૂતન બેન નજીક નથી આવ્યા। કઈ વાંધો નહીં, એ તો સાંભળી લેશે, મજા આવે, સમજાઈ જાય એવું છે, આમ તો ફોટા સાથે છે ને એટલે સમજાઈ જાય એવું છે। કઈ નહીં, હવે મળી જશે, હવે નેક્સ્ટ બુક આવશે એમાં ફોટા સાથે મળશે, નો ભરી પણ કઈ વાંધો નહીં, એવું તો તું તો અહીંયા મુંબઈમાં જ છે, લઈ જજે મારા પાસેથી થોડા ફોટા કઢાવીને, પ્રિન્ટ કલર પ્રિન્ટ કઢાવી લેજે એમાં શું। અબ અગલે ક્લાસ મેં મિલેંગે બુધવાર કો, તબ તક કે લિયે જય જિનેન્દ્ર।